हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और मैं जर्मनी में हूँ और जर्मनी से रिलेटेड सारे वीडियो बनाती हूँ और यूरोप से रिलेटेड। और आज मैं आप लोगों को 10 से ज़्यादा तरीके बताने वाली हूँ जो जिससे आप जर्मनी आ सकते हो, मतलब ऐसे वीज़ाज जिससे आप जर्मनी आ सकते हो। तो वीडियो जो है वो एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है एक कोई वीज़ा जो है वो आपके लिए परफेक्टली फिट हो, और वो वीज़ा देख के, लाइक ये इन्फॉर्मेशन देख के, आप वो वीज़ा अप्लाई करो और बहुत जल्दी जर्मनी में हम लोगों से मिलो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जो पहला वीज़ा जो है वो टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा है। हाँ, जर्मनी में जो आपके फ्रेंड्स फैमिली, जैसे अगर हम लोगों को मम्मी पापा को बुलाना है या हमारे किसी फ्रेंड्स को बुलाना है तो हम उन्हें बुला सकते हैं। 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, तो वो 3 मंथ्स में आप ट्रैवल कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, कल्चर देख सकते हो यहाँ का, और आराम से 3 मंथ्स जो हैं वो बिना टेंशन के रह सकते हो। वो होता है टूरिस्ट वीज़ा। अफकोर्स वो सिर्फ 3 मंथ्स का होता है, तो 3 मंथ्स के लिए ही वो वैलिड होता है। तो इवन दो आपकी फैमिली को भी आना है तो वो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए ही वैलिड होता है। दूसरा तरीका है फैमिली रीयूनियन वीज़ा। तो ये है स्पाउस वीज़ा या फैमिली रीयूनियन वीज़ा, जिसके लिए मुझसे बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, और मैं भी इसी वीज़ा से यहाँ पर आई हूँ। द बेस्ट पार्ट इज़ आप बहुत लॉन्ग टर्म में, जब तक आपको वीज़ा मिल जाए वो आप रह सकते हो यहाँ पर, आपके बच्चे या आप, मतलब जो भी स्पाउस है वो आ रहे हैं। जैसे कि जो टूरिस्ट वीज़ा होता है वो सिर्फ 3 महीने का ही होता है, 3 मंथ्स का ही होता है, और उसके बाद वो वैलिड नहीं होता। बट जो फैमिली रीयूनियन वीज़ा है, ये जब तक के आपका स्पाउस जो है उनका स्टे है तब तक आपका भी स्टे होता है। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। तीसरा जो वीज़ा है वो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और मैंने एक वीडियो में बताया भी है, वो है जॉब सीकर वीज़ा, जो कि 6 महीने का मिलता है, और उसमें आप स्पेसिफिक जॉब ढूंढने के लिए वो वीज़ा ले सकते हो। और अगर आपको जॉब यहाँ पर मिल जाती है तो आपका जो जॉब सीकर वीज़ा है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वीज़ा जो है वो है स्टडी या लैंग्वेज लर्निंग वीज़ा। हाँ, आप लैंग्वेज लर्निंग के लिए भी यहाँ पर आ सकते हो। तो स्टडी और लैंग्वेज लर्निंग वीज़ा, जो भी आपका ड्यूरेशन होता है यहाँ के इंस्टीट्यूट में, जर्मन इंस्टीट्यूट में, उस टाइम तक का मिलता है, तो आप दोनों ही केसेस में आ सकते हो। तो मुझे इसका भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सिर्फ लैंग्वेज के लिए आप आ सकते हो। ऑफकोर्स आ सकते हो, और वो होता है लैंग्वेज लर्निंग वीज़ा और स्टडी वीज़ा। नेक्स्ट वीज़ा है वर्किंग वीज़ा। वर्किंग वीज़ा, अगर आपने इंडिया से या जहाँ पर भी आप रहते हो वहीं से जॉब अप्लाई करी और आपको जॉब मिल गई तो आपको वर्किंग वीज़ा मिल जाता है, और एल्स अगर आप ऑन साइट आ रहे हो तो भी आपको वर्किंग वीज़ा मिल जाता है। तो ये है वर्किंग वीज़ा। इसी के साथ मैं एक और वीज़ा की बात करती हूँ, वो है बिज़नेस वीज़ा, जो कि 3 to 6 मंथ्स का होता है। अगर आप किसी भी बिज़नेस पर्पज़ से यहाँ पर आ रहे हो तो आपको बिज़नेस वीज़ा मिलता है। जैसे बहुत सारे लोग जो है वो मीटिंग अटेंड करने आते हैं, या अपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, या कंपनीज उन्हें भेजती हैं ट्रेनिंग के लिए। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनको बिज़नेस वीज़ा मिलता है, और उसमें आप मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो। अगर आपकी जो कंपनी है मल्टीनेशनल कंपनी है और यहाँ उसकी ब्रांच है तो वहाँ जा सकते हो, और यहाँ पर 3 to 6 मंथ्स रह सकते हो। जबकि जो मैंने आपको बताया था टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, विजिटर वीज़ा जो होता है वो सिर्फ 3 मंथ्स का होता है। 3 मंथ्स से ज़्यादा आपकी फैमिली या फ्रेंड्स जो हैं वो नहीं रुक सकते यहाँ। जो नेक्स्ट वीज़ा है वो है गेस्ट साइंटिस्ट वीज़ा। अगर आपको कोई रिसर्च करनी है या आपको यहाँ के इंस्टीट्यूट्स में बुलाया गया है एज ए गेस्ट साइंटिस्ट, तो वो होता है गेस्ट साइंटिस्ट वीज़ा। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है, बट हाँ, उसकी वैकेंसीज़ भी होती हैं इंस्टीट्यूट्स में, प्लस आप लोगों को मिल भी सकता है वो वीज़ा इफ़ यू आर अ साइंटिस्ट एंड इफ़ यू वांट टू डू सम रिसर्च जर्मनी के बारे में या यहाँ आसपास के बारे में। तो ये है गेस्ट साइंटिस्ट वीज़ा। नेक्स्ट वीज़ा जो है वो है ट्रेनिंग और इंटर्नशिप वीज़ा। अगर आप यूरोप में ही आसपास कहीं रह रहे हो या फिर आप इंडिया में रह रहे हो, आप डायरेक्टली इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपको उसका वीज़ा मिलता है। वो डायरेक्टली बोलते हैं उसे
ट्रेनिंग या इंटर्नशिप वीज़ा। बहुत टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स होती हैं और इंटर्नशिप तो हर एक कंपनीज में होती है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आने की ट्रेनिंग और इंटर्नशिप वीज़ा के थ्रू। नेक्स्ट वीज़ा जो है वो है मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ा। वैसे तो हम लोगों के लिए आई थिंक जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये इतना ज़रूरी नहीं है जानना, पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ा, अगर आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है एंड वो सिर्फ जर्मनी में ही हो सकती है या जर्मनी में ही ऐसी जो सुविधा है वो उपलब्ध हैं, तो आप ले सकते हो जर्मनी का मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ा। नेक्स्ट वीज़ा है ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन फेयर। एग्जीबिशन जो है वो मैं भी बहुत जाती थी इंडिया में टेक्सटाइल एग्जीबिशन या टेक्सटाइल ट्रेड फेयर्स में, जो कि यहाँ पर भी पॉसिबल है। अगर आपको जैसे यहाँ पर ऑटो फेयर, कार जो ट्रेड फेयर्स होते हैं, ये सारे चीज़ें होते हैं, अगर आप प्लान कर रहे हो और अगर आप एलिजिबल हो तो उसके लिए भी वीज़ा होता है। तो जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है वो एग्जीबिशन का, उस टाइम तक के लिए आपको ये पर्टिकुलर वीज़ा जो है वो मिल सकता है अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो। जो नेक्स्ट वीज़ा है वो वीज़ा मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने अपना रिसर्च किया उसके बाद में पता चला। जो नेक्स्ट वीज़ा है वो है वीज़ा फॉर स्पोर्ट्स, फिल्म क्रू या फिर इवेंट्स या फिर रिलीजियस पर्पस। ये सारे जो वीज़ाज़ होते हैं वो, मतलब ये जो पर्टिकुलर एक कैटेगरी है ये सारी, कि कोई भी जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ है, फिल्म के लिए कोई शूटिंग हो रही है उसकी एक्टिविटीज़ है या फिर कोई शो हो रहा है उसकी एक्टिविटी है, उसके लिए वीज़ा होता है। तो वो भी आप लोग अगर कुछ प्लान कर रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो बेस्ड ऑन आपका जो भी टैलेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है जो बॉलीवुड हैं वो शायद यही वीज़ा लेके आते होंगे जर्मनी में, आई डोंट नो, जस्ट किडिंग। बट हाँ, ये सारे तरीके हैं जिससे आप जर्मनी आ सकते हो। मैंने सारे जो है वो जो वैलिड तरीके हैं वो बताएं, तारों के नीचे वाले नहीं बताएं, जिससे आप ऑफिशियली यहाँ पर आ सकते हो, रह सकते हो और आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आगे बढ़ा सकते हो। होपफुली ये वीडियो जो है वो आप लोगों को हेल्प किया हो पता करने में कि कौन कौन से जर्मनी में वीज़ाज़ होते हैं जिस जो आप अप्लाई कर सकते हो या फिर आप एलिजिबल हो उनके लिए। तो ये सारे वीज़ा हैं, मैं सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ और दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ। इससे रिलेटेड अगर कुछ और जानना चाहते हो और ज़्यादा इससे रिलेटेड, तो ज़रूर नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगी और उसको रिप्लाई करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो ज़रूर अच्छा ही लगा होगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स फैमिली जो जर्मनी आना चाहते हैं उनसे शेयर करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।